ओला कैब थी जिसके पीछे दो मोटरसाइकिल पे चार लड़कों ने आगे मोटरसाइकिल लगा के कुछ पैसा लूट लिया था। तो उस केस की अहमियत को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स का कोऑर्डिनेशन और प्रोफेशनल जो वर्क होता है उसका एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें क्राइम ब्रांच के साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जिसकी वारदात है, सब ने मिल के अभी 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इस केस को सॉल्व किया है। इस केस में खास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, CDR एनालिसिस, IPDR एनालिसिस, CCTV फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, चाहे वो हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक, सभी टीम्स ने बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए इस केस को सॉल्व भी किया है और रिकवरी भी की है और एविडेंस भी इकट्ठा किया है। राजधानी दिल्ली के पोश इलाके प्रगति मैदान टनल के बीचों बीच एक कैब को रुकवाकर 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने वाले उस्मान और इफरान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात का एक CCTV वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस बात की जानकारी दी है कि उस्मान और इरफान ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। मिली जानकारी के मुताबिक उस्मान अमेजन डिलीवरी बॉय का काम पिछले 5 सालों से दिल्ली में कर रहा है और वो चांदनी चौक इलाके में सक्रिय था। मूलतः इरफान और उस्मान भुंड में रहना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बुराड़ी में रह रहे थे और लगातार डिलीवरी बॉय का काम अमेजन में उस्मान कर रहा था। वहीं इरफान की नाई की दुकान है और इरफान नाई की दुकान में अपना काम चलाता था। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए 7 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया और परसेंटेज पर काम करने का फैसला किया। 2 चोरी की मोटरसाइकिल जिसमें स्प्लेंडर शामिल है, जिसे बरामद किया जा सकता है, वारदात में इन्वॉल्व रही। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का कहना है कि इरफान और उस्मान IPL में सट्टा लगाते थे और इसी के चलते उन्हें पैसे की जरूरत थी और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तकरीबन 7 आरोपियों पर दबिश दी है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।